सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू फोन्स के बारे में जो कि बहुत ही पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। एक का नाम है मोटो जी 31 और एक का नाम है रेडमी नोट 10। ये दोनों ही फ़ोन जो है आपको 30,000 की प्राइस पॉइंट पर मिल जाएंगे, बट इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको कौन सा फ़ोन कंसिडर करना चाहिए और कौन सी गलतियाँ आप कर सकते हैं इन दोनों फ़ोन्स को खरीदने से पहले। सो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दिस इज अपूर्व एंड यू आर वॉचिंग टेक निंजा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की दोनों फोन्स की। अब दोनों फोन्स ही 13,000 के प्राइस पॉइंट पे आते हैं, तो डिस्प्ले की जहाँ तक हम बात करें दोनों की एक 1080p स्क्रीन मिलती है, तो डिस्प्ले में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की 6.5 Hz की 1080p है, बट यहाँ पे एक मेन जो है डिफरेंस वो है ब्राइटनेस की, पीक ब्राइटनेस का। अब उसमें आप देखेंगे तो मोटो जी 31 में 700 nits की पीक ब्राइटनेस है, वहीं पर आपको रेडमी नोट 10 में मिलेगी एक 1100 nits की पीक ब्राइटनेस। तो आपको अगर हार्ड सनलाइट में देखना है तो मोटो जी 31 इतना काम नहीं देगा आपको, रेडमी नोट 10 जो है वो बहुत फ़ायदेमंद यहाँ पे साबित होगा। देन टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसर, अब प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मोटो जी 31 में मिलता है एक मीडियाटेक हीलियो का G85 प्रोसेसर, जो कि बेस एक 12 nm आर्किटेक्चर पे प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर हमको रेडमी नोट 10 पे इस साइड मिलता है एक स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। अगर आप गेमिंग करते हैं, डे टू डे परफॉर्मेंस टास्क कुछ भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है यहाँ पे रेडमी नोट 10 में। अब इसमें आपको डिफरेंस वैसे महसूस नहीं होगा, बट आप अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको ज़रूर से डिफरेंस पता चलने वाला है। और हम क्लॉक स्पीड की बात करें तो इसके पास 2 GHz की मैक्स क्लॉक स्पीड है मोटो जी 31 के पास, वेयरएस हम रेडमी नोट 10 की बात करें तो इसके पास अराउंड आपको मिल जाएगी 2.3 GHz की मैक्स क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड के बारे में भी क्लॉक स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो भी रेडमी नोट 10 इज मच मच बेटर देन मोटो जी 31। देन हम बात कर लेते हैं GPU की। अब GPU यहाँ पे माली का GPU लगा हुआ है, बट यहाँ पे एक एड्रीनो का GPU होता है, और जितने भी लोग होंगे मेरे ख्याल से सबने MI के फ़ोन यूज़ किए ही होंगे, तो एड्रीनो के GPU बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं और गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बूस्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू MediaTek के माली के GPUs। तो यहाँ पे अगर आप गेमर है और आप कंसीडर करना चाह रहे हैं एक फ़ोन खरीदना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप आग बंद करके रेडमी नोट 10 ही लीजिए, वो आपको बहुत ही अच्छा और डायनामिक परफॉर्मेंस देने वाला है एज़ कम्पेयर टू मोटो जी 31। तो गाइस, कैमरा की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब कैमरा दोनों का ही बहुत ही हाईलाइटेड फीचर होने वाला है, तो कैमरा की हम बात करें तो यहाँ पे हमको मोटो जी 31 में 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50+8+2। इसमें 50 आपका मेन है, 8 MP आपका जो है अल्ट्रा वाइड है, और 2 MP का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। तो कैमरा कॉन्फिगरेशन काफ़ी अच्छा है, बट इस साइड भी आप नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है रेडमी नोट 10 में, तो कैमरा का रेजोल्यूशन है 48 MP मेन, 8 MP डेप्थ, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो एंड 2 MP डेप्थ। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बट एक ही बात है जहाँ पे ये मोटो विन कर जाता है, क्योंकि इसका जो एपर्चर साइज़ है वो बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे आपको f1.8 अपर्चर मिलता है, बट यहाँ पे आपको f1.9 अपर्चर मिलेगा। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि कैमरा सेंट्रिक और फ़ोन ले रहे हो क्योंकि आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी है, तो आपको बिल्कुल मोटो जी 31 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छा फ़ोन है अगर कैमरा की हम बात करें तो। देन टॉकिंग अबाउट द वीडियो रिकॉर्डिंग, अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फोटोज़ लेंगे तो ऑब्वियसली वीडियोज़ तो लेंगे ही कभी ना कभी और कहीं ना कहीं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको मोटो जी 31 एक 1080p तक की वीडियो का सपोर्ट देता है, वेयरएस अगर आप यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रेडमी नोट 10 की, तो वो हमको वहाँ पे 2160p मतलब 4K वीडियो तक का सपोर्ट देता है। अब 4K वीडियो कितनी अच्छी बनेगी वो मुझे पता नहीं, बट स्टिल आपको एक सपोर्ट तो मिलता है, हो सकता है उसमें स्टेबलाइजेशन थोड़ा कम हो जाए, बट उसका मतलब यही कि उसका प्रोसेसर इतना कैपेबल है कि वो 4K तक का सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स कि उसकी 1080p की वीडियो जो कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड की बनने वाली है, वो काफ़ी आपको अच्छी मिलने वाली है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि वीडियो ज़्यादा लेते हैं, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ले लीजिए रेडमी नोट 10। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज ऑप्शन की। स्टोरेज ऑप्शन आपको दोनों में ही अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 4 GB रैम 64 GB वेरियंट प्लस 6 GB रैम एंड 128 GB का ऑप्शन मिलने वाला है, एंड सेम यहाँ रेडमी नोट 10 में भी आपको 464 और 6128 आप कोई भी ले सकते हैं। तो स्टोरेज के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, दोनों में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आपको मिलने वाला है। इसमें आपको डेडिकेटेड मिलेगा, इसमें आपको हाइब्रिड मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बट स्टिल 128 GB स्टोरेज का अगर आप ऑप्शन कंसिडर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत एनफ हो जाएगी अगर आप फ़ोन को 1 से 2 साल चलाने का प्लान कर रहे हैं तो।
देन फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट द बैटरी, हम दोनों में आपको एक 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली, तो बैटरी में भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला अगर आप लाइट यूज करते हैं, 5000 mAh दोनों में चल जाएगा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बैटरी में, आप कोई सा स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। वाईफाई की बात करें तो दोनों में डुअल बैंड वाईफाई है। आईपी रेटिंग की बात करें तो दोनों में IP52 IP53 लगभग सेम ही होती है, तो उसमें भी ऐसे कोई डिफरेंस महसूस आपको नहीं होने वाला। देन हम बात करते हैं कॉल क्वालिटी की, वो भी लगभग दोनों की सेम ही, तो उसमें भी आपको ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलने वाला है। ऑडियो जैक की बात करें तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली दोनों में ऑडियो जैक प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑडियो जैक आजकल मोबाइल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट स्टिल ऑडियो जैक इन्होंने रिटेन किया है बजट स्मार्टफोन्स में, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। आपको ऑडियो जैक का सपोर्ट यहाँ पे दोनों में मिल जाएगा। देन बात करते हैं स्पीकर की क्वालिटी की। अब स्पीकर में आपको मोटो G31 में एक सिंगल स्पीकर मिलेगा, और यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बजट स्मार्टफोन के हिसाब से आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, और डुअल स्पीकर्स का अगर आप ऐसे पर्सन हैं आपने डुअल स्पीकर का मोबाइल यूज़ नहीं किया है, तो आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, बट अगर आप एक बार डुअल स्पीकर का मोबाइल यूज़ कर लेंगे तो आपको सिंगल स्पीकर का मोबाइल यूज़ करने का मन ही नहीं होगा। सो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपको डुअल स्पीकर इतने कम बजट में मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। गेमिंग परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ों में डुअल स्पीकर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो गाइस स्टोरेज टाइप की हम बात करें तो यहाँ पे हमको मोटो G31 में UFS 2.0 स्टोरेज मिलता है, जो कि आज से 2 से 3 साल पुरानी हो गई और ज़्यादा ही पुरानी हो गई है। बट हमको यहाँ पे Redmi Note 10 में मिलता है UFS 2.2, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बजट स्मार्टफोन में वापस से इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन देना लगभग इम्पॉसिबल है, बट MI हमारे लिए पॉसिबल कर पाता है। तो बिल्कुल से आपको, अगर आप ऐसे पर्सन जो कि बहुत सारी स्टोरेज और बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप UFS 2.2 पर ज़रूर नज़र डाल सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि 5000 mAh की आप बैटरी ले रहे हैं, तो चार्जिंग भी एक बड़ा इशू है। तो फास्ट चार्जिंग की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फास्ट चार्जिंग आपको मोटो जी में मिलेगी एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर, वेरियस आपको MI में मिलेगा एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि मेरी बात मानिए काफ़ी फास्ट चार्जर है। तो यहाँ पे भी Redmi Note 10 इज़ द क्लियर विनर, वहाँ इतना फास्ट चार्जिंग आपको मिल रहा है 5000 mAh बैटरी में, अराउंड 1.5 to 2 hours लेगा नियरली आपकी बैटरी को फुल चार्ज करने में। सो गाइस ये थे दोनों के फीचर्स मोटो G31 के और Redmi Note 10 के। अब मैं देने वाला हूँ आपको कंक्लूजन, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा दे, एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस दे, ये मैंने पॉइंट कवर नहीं किया बट सॉरी, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मोटो में मिलेगा, Redmi Note 10 में मिलेगी, यहाँ पे आपको MIUI 12 मिलेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहते हैं और अगर आप कैमरा बहुत तगड़ा चाहते हैं, तो आप मोटो G31 लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप ये दोनों, अगर आप कैमरा में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और स्टॉकिश एंड्रॉइड में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बेस्ट ऑलराउंडर फोन चाहते हैं, एक अच्छी फास्ट चार्जिंग चाहते हैं, एक अच्छा GPU चाहते हैं, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं विदाउट एनी हीटिंग इशूज़, तो आप ले सकते हैं Redmi Note 10। और मेरी पर्सनल पिक इसमें होगी Redmi Note 10, भले ही वो थोड़ा सा पुराना डिवाइस है, बट उसका Adreno का GPU और Qualcomm Snapdragon की पावर उसको बनाती है यहाँ पे क्लियर विनर। तो दोस्तों यही था मेरा एक कंपैरिजन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।